नमस्कार रिता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में हुए शामिल। रेवाड़ी में आज रखेंगे एम्स की आधारशिला, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अमेरिका में भारतीय स्टूडेंट पर हो रहे हमले को लेकर व्हाइट हाउस ने दिया बयान, कहा भारतीय स्टूडेंट पर हमले बर्दाश्त नहीं, हम लोकल अथॉरिटी के साथ इस मामले पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस पर लगाए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का आरोप, कहा कुछ देश इस तरह के न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम बना रहे हैं ताकि अंतरिक्ष में जाकर दुश्मन के सभी नेविगेशन सैटेलाइट को खत्म कर सके। अंतरिक्ष में रूसी परमाणु क्षमता को लेकर अमेरिका के दावे को रूस ने नकारा, मॉस्को ने कहा मनगढ़ंत बातें फैला रहा है अमेरिका। संदेशकाली मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में किया दावा, कहा संदेशकाली में भय का माहौल, महिलाओं का हुआ उत्पीड़न, उत्पीड़न करने वाले टीएमसी नेताओं के साथ पुलिस के अधिकारी। सुकांत मजूमदार के नोटिस पर एक्शन, संसदीय समिति ने बंगाल के मुख्य सचिव और उत्तर 24 परगना के डीएम को किया तलब। दरअसल सांसद सुकांत मजूमदार द्वारा उत्तर 24 परगना के बशीरहाट के पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार, क्रूरता और जानलेवा चोट पहुंचाने के लिए नोटिस दिया था, जिसके बाद संसदीय समिति द्वारा यह कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई भाजपा नेता संदेश खाली जाने के लिए निकले, कहा हमारा मिशन संदेश खाली जाकर वहां के पीड़ितों से मिलना है। बीजेपी सांसदों की फैक्ट फाइंडिंग टीम जा रही है संदेश खाली, टीएमसी ने कहा वहां कुछ नहीं हुआ, पर संदेश खाली मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी से टीएमसी के दावे पर अब सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच तीसरी बातचीत रही बेनतीजा, रविवार को अगले राउंड की होगी बैठक, शांति बनाए रखने पर बनी सहमति। अजीत पवार गुट के पक्ष में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग। वहीं इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगी। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने हांगकांग को हराकर पहली बार मेडल किया पक्का। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। क्रीमी है मदर प्रॉमिस मदर डेयरी। संबंधित तकलीफों का समाधान बैद्यनाथ कब्ज हरदे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षा। इजरायली सेना का बड़ा दावा, आईडीएफ ने कहा कि उसने बुधवार रात को लेबनान में कार्रवाई करते हुए हिजबुल्ला के एक कमांडर को मार गिराया। आईडीएफ ने बताया कि इजरायली सेना हिजबुल्ला के अलहज राडवान फोर्स के सेंट्रल कमांडर अली मोहम्मद अल डैप्स और उसके साथ डिप्टी कमांडर इब्राहिम इस्सा एवं अन्य को मार गिराया है। लाल सागर संकट के बावजूद जनवरी में बढ़ा निर्यात, पिछले महीने 36.92 अरब डॉलर की खेप भेजी गई विदेश। गुजरात विश्वविद्यालय की मानहानि शिकायत के खिलाफ दिल्ली के सीएम और आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के डिग्री को बताया था फर्जी, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने दायर की थी मानहानि शिकायत। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन, प्रमोटर राजीव डे के कई फ्लैट्स पर छापेमारी। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग के मुख्य न्यायाधीश शुक्रे ने महाराष्ट्र सरकार को सौंपे रिपोर्ट, सीएम बोले कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। जनरल मनोज पांडे के अमेरिका दौरे का आज आखिरी दिन, स्ट्राइकर यूनिट और स्पेशल फोर्सेज से की बात। मणिपुर के जुराचांदपुर में एसपीडीएम ऑफिस पर 300 लोगों ने किया हमला, 2 की मौत, 42 लोग घायल, हिंसा के बाद इंटरनेट बैन, जुराचांदपुर में 5 दिन तक बढ़ी सख्ती। सरकारी मार्केट प्लेस जेम पर रक्षा खरीद 1,00,000 करोड़ के पार, मंत्रालय ने 46,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए। कैश पर क्वेरी मामले में महुआ ने सीबीआई को भेजा अपना जवाब, कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से जांच एजेंसी ने की पूछताछ। अल्पेश यादव से जुड़े रेव पार्टी केस में बड़ा खुलासा, एफएसएल रिपोर्ट में सांप के जहर की पुष्टि। आंदोलन की वजह से दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं श्रमिक, श्रमिकों के सामने रोजी का संकट गहराने लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। किसान संगठन ने बुलाया भारत बंद, पंजाब में दिखेगा असर, दिल्ली एनसीआर में बढ़ाई गई सुरक्षा। अमेरिका में नई थम रही गोलीबारी, डेनवर में 60 वर्षीय व्यक्ति को एक हमलावर ने किया गोलियों से छलनी, मौके पर हुई मौत।
चुनाव में हुए कथित धांधली के खिलाफ आज पूरे देश में प्रदर्शन करेगी इमरान खान की पार्टी पीटीआई, कई अन्य दलों को भी किया आमंत्रित। कुवैत ने अपनी संसद को फिर से किया भंग, अमीर ने सांसदों के आक्रामक और अनियंत्रित बयानों के बाद उठाया कदम। बांग्लादेश ने म्यांमार के 330 सैनिकों को भेजा स्वदेश, सैनिकों और विद्रोहियों के बीच झड़प के बाद इन सैनिकों ने छोड़ी थी चौकियां। इसराइल हमास युद्ध से जुड़े कार्यक्रम पर सिंगापुर पुलिस सख्त, जारी की एडवाइजरी, कहा इसराइल हमास संघर्ष से जुड़े कार्यक्रमों की इजाजत नहीं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐलान, कैंसर का टीका बनाने के करीब है रुख। दिल्ली के अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में लगी आग, अब तक 11 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश सरकार में आरएलडी के 2 विधायक बनेंगे मंत्री, योगी मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। प्रदर्शनकारियों का आज भारत बंद का ऐलान, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता करेंगे चक्का जाम, टिकैत बोले सरकार नहीं मानी मांग तो जल्द होगा बड़ा आंदोलन। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 करोड़ का गांजा जब्त, 2 आरोपी भी दबोचे गए, उड़ीसा से ले जा रहे थे आगरा। झारखंड में माओवादियों की साजिश नाकाम, 2 आईईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। खबरों में अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रिदम ऐप को डाउनलोड करें।